अचानक से क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह मेरे को रितेश मेनन का फ़ोन आया कि ये मैं आपको इस रोल में कास्ट करना चाहता हूँ। अब रितेश मेनन ना मुझे पहले से जानते हैं, ना मेरी कोई उनसे दोस्ती है, ना मेरा कोई इनसे मतलब कोई लेना देना है, मैंने इनको पहली बार ही देख रहा हूँ। और ये मुझे जब रोल नरेट कर रहे थे तो ये इतना बड़ा रोल नरेट कर रहे थे कि मैं खुद अचरज में था कि इनके दिमाग में आया कैसे कि ये रोल मैं कर सकता हूँ या मेरे को देना चाहिए। मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा आप प्रकाश जी से पूछ लीजिए, प्रकाश जी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हो सकता है वो मना करते हैं। लेकिन इन्होंने जब मुझे बताया कि प्रकाश जी भी बहुत हैप्पी है इस बात से कि मैं ये रोल करूँ, तो मैंने कहा शायद दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, भगवान के मन में कुछ है जो मुझसे ये रोल करवाना चाहता है। और मैं घुस गया, क्रेजी कुक्कड़ बन गया फुल्ली। आपको वो लिरिसिस्ट स्वानंद गिरगिरे कहीं नजर नहीं आएगा इसमें। मैं एज एन एक्टर कॉमेडी की तलाश में थी, है ना, क्योंकि इतने इंटेंस रोल कर चुकी हूँ। सब कहते हैं कि कॉमेडी एक्टर की सही परख होती है, तो मुझे मन था। फिर ये कैरेक्टर बहुत ही प्यारा लगा मुझे, अर्चना का कैरेक्टर। मुझे मालूम था कि चूंकि प्रकाश झा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ थॉट है इसके पीछे। फिर रितेश से जब नरेशन मिली तो मेरे को 100% श्योर हो गया। मतलब मैं इस स्क्रिप्ट पे इन्वॉल्व था पहले से, और उसके बाद जब हम डिस्कस कर रहे थे और कैरेक्टर्स जब आए साथ में, तो ये जो चार बच्चे हैं उसमें से जो मेरा जो लुक था, फिर वो एक कैरेक्टर के साथ प्रॉपरली बैठ गया, विच इज़ अमन बेरी जो फिल्म में है। तो आई थिंक इन दैट प्रोसेस रितेश ने कहा या कुशाल यू सूट द कैरेक्टर, तो आप ही कर लो। एंड देन वी वेंट बाय डेवलपिंग द कैरेक्टर, लाइक वी डेवलप फॉर एवरीथिंग। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सबके लिए फिल्म बहुत ही क्लोज टू द हार्ट है, बिकॉज एवरीवन रिलेटेड टू देयर कैरेक्टर्स, स्पेशली जो एक्टर्स हैं। तैयारी में हमने पहले जब स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ते थे साथ में, उस समय हम बहुत डिटेल्स डिस्कस करते थे, कपड़े से लेके छोटे छोटे न्यूएंसेस की मैं ये वर्ड ऐसे बोलूंगी या बोलूंगा। बट एक दो राउंड्स वो होने के बाद हमने सिर्फ मस्ती की, पूरी फिल्म वही एनर्जी पे। अभी आपके सामने क्रेजी कुकड़ फैमिली, मेरे को एक्चुअली क्योंकि लोग इतने अच्छे हैं, परिवार के जैसी यू नो एक बॉन्डिंग है, तो ऐसा मुझे डिफिकल्ट कुछ लगा नहीं। और अर्चना जो है वो किरदार ही इतना लाउड है कि उसको कपड़े पहना दो तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। बाकी मेरा दिल्ली की परवरिश है तो थोड़ा सा वो सब भी काम आ गया। सुहास शेट्टी जो है, जो स्क्रिप्ट के राइटर भी हैं, फिल्म के राइटर, वो इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, सिद्धार्थ सुहास। जब हम स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करते थे तभी हमने म्यूजिक का प्रोसेस शुरू कर दिया था ऑलरेडी, यू नो। तो हमने ऑलरेडी गाने मोस्टली सिलेक्ट कर दिए थे, डिसाइड कर लिए थे। तो कुमार से हमारा पुराना रिश्ता है, बहुत फेमस लिरिसिस्ट हैं, तो उनसे ऑलरेडी हमारा रिश्ता जुड़ गया था। वो इन्वॉल्व होकर हमको आइडियाज देते थे गाने के, तो वो प्रोसेस चल ही रहा था। एंड देन व्हेन आई मेट स्वानंद किरकिरे, आई वाज मतलब मैं इनके गाने सुनता हूँ, ये सब मैंने कुछ नहीं बताया इनको। मैं खाली स्वानंद किरकिरे दी एक्टर से मिलने गया था, और हमारा रिश्ता शूटिंग पे वही था कि आप और मैं फिल्म बना रहे साथ में, आप एक्टर हैं इसमें, मैं डायरेक्टर हूँ। अगर ये मुझे गाने लिखने को कहते भी ना तो शायद मैं मना कर देता, क्योंकि मुझे वो एक्टिंग का बर्डन मेरे ऊपर बहुत था। मतलब जब शूटिंग शुरू नहीं हुई थी तब तो बहुत ही ज्यादा था, मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वहां से शुरुआत थी। और होता क्या है कि आप जब अपने आप को कैमरा पे देखते हो, जो मॉनिटर में दिखता है, तो आपके 17 मतलब इतने सारे सालों के सारे पाप आपके सामने खड़े हो जाते हैं। मतलब आप खुद पे देखने लगते हो, मोटे कितने हो गए हो, डबल चिन कितना दिखाई दे रहा है, मतलब वो बहुत खतरनाक काम है। आपको लगता है एक्टिंग बहुत आसान है, उसमें फिर ये मेरे आजू बाजू इस तरह के हसीन लोग, मतलब लड़के हम सहमत हैं वैसे। हाँ नहीं, इसी एक मामले में मैं आपको सहमत रखना चाहता हूँ। और वो मैं देख रहा था तो मैं थोड़ा टेंस था, तो मैंने कभी इस तरह से उस तरह से इन लोगों ने मुझे कभी गाना गाने के लिए ना लिखने के लिए ना इन्होंने बोला, ना मैं वो जॉब ले सकता था उस वक्त, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग काम रहता है। फिर एक मौका लगा तो मैंने इनसे ये ज़रूर कह दिया कि मुझसे गाना गवा लो, मैंने इस फिल्म में गाना गाया भी है। जी